हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा मंत्री के नए बयान के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए ये एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है और इसमें पूरा सिलेबस सुपर टेट 2022 का कवर है। तो देख सकते हैं इसका सिलेबस, साथ ही साथ इस टेबल में आप देख पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पिछले सालों का सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे इसमें सवाल हैं जिसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इसमें सॉल्यूशन है। तो चक्षु पब्लिकेशन की सुपर टेट गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। यदि आपको ये किताबें खरीदनी हैं ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ ये किताबें ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि NBT यानी नव भारत टाइम्स से बातचीत करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने नई भर्ती के संबंध में क्या कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है साफ साफ कि नई भर्ती का अभी कोई भी प्लान नहीं है, पुरानी भर्तियों को ही अभी सरकार निस्तारित करने में लगी है। यानी कि जो 6800 की शिक्षक भर्ती है इसी को ही सरकार अभी क्लियर करना चाह रही है। ये मामला भी अभी फंसा हुआ है और नई भर्ती पर सरकार की अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं है। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि अभी हम नई शिक्षक भर्ती पर काम नहीं कर रहे हैं, नई भर्ती का अभी कोई प्रपोजल ही नहीं है। तो नई भर्ती पर सरकार अभी मौन है और लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि परिषदी स्कूलों में दाखिला इस बार बढ़ गया है, लेकिन शिक्षकों के पद कब बढ़ेंगे ये एक बड़ा सवाल है और ये मामला अब प्रमुख जो न्यूज़पेपर हैं उसमें भी छप रही है। तो इस समय न्यूज़पेपर के माध्यम से छात्रों का सवाल उठाया जा रहा है और सवाल क्या कहें, ये तो जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो कंडीशन है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में खबरें छप रही हैं। 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला इस साल हुआ है, तो आखिर इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन। देख सकते हैं स्कूलों में बड़ा दाखिला, कब बढ़ाए जाएंगे शिक्षकों के पद, ये एक बड़ा सवाल है। तो सरकार अभी सिर्फ और सिर्फ 6800 की शिक्षक भर्ती को क्लियर कराने के मूड में है, लेकिन ये अभ्यर्थी भी जब जा रहे हैं भाजपा दफ्तर पर या मांग कर रहे हैं कि हमारी भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, तो यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल रही है। और कई बार ये भर्ती जब धरना कर रहे हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की भी हो रही है। तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि छात्र अपनी मांग को लेकर लगातार मुखर हैं और इस समय उन्हें मीडिया में भी स्पेस मिल रहा है। ये न्यूज़ तो आपने देखा ही होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है और पिछले साल की तुलना में 17 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के प्रवेश का दावा किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान के तहत रिकॉर्ड यहां पर नामांकन हो रहे हैं और अभिभावकों का सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ा है, लेकिन ये रुझान कब तक रहेगा? बिना शिक्षकों के पढ़ाई कैसे सरकार कराएगी? और जो 17 लाख नए नामांकन हुए हैं सिर्फ इनके हिसाब से देखा जाए शिक्षक छात्र अनुपात का, तो एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती की आवश्यकता उत्तर प्रदेश को है। सरकार इस समय दावा कर रही है कि वो प्राइमरी और परिषदी विद्यालयों में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और शिक्षा सुधार में बेहतर सुधार की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नई भर्ती की जब सवाल पूछी जा रही है तो ये कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात हमारे यहाँ मेंटेन है और अभी नई शिक्षक भर्ती पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। तो जब भी मौखिक सवाल पूछा जाता है सरकार से, उनके मंत्रियों से, उनके विधायकों से, तो यही कहते हैं कि हमें अभी नई भर्ती की जरूरत नहीं है, शिक्षक छात्र का अनुपात मेंटेन है। वहीं पर जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, जब कोई ऑफिशियल डेटा आता है, यदि आप RTI लगाएंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राज्यसभा में सवाल पूछिए, लोकसभा में सवाल पूछिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जब रिपोर्ट आती है, PIB की रिपोर्ट आती है, पता चलता है कहीं पर 1 लाख शिक्षक के पद रिक्त हैं, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख। यूनेस्को की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लेकिन मौखिक रूप से सरकार ये कह रही है कि हमें अभी शिक्षकों की जरूरत नहीं है, शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन है। नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं और पुराने वाले जो मंत्री थे डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी, वो भी इस तरह की बातें करते थे और फाइनली उनका क्या हुआ सबको पता है। नए मंत्री जी को विचार करना चाहिए और नई भर्ती पर इन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई को आगे बढ़ानी चाहिए। तो आप यहां पर देखेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख
से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभियान चलाकर छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यदि 17 लाख नए नामांकन हुए हैं तो इनके सापेक्ष शिक्षक कहाँ हैं? पिछले 3.5 साल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया था कि उनके पास 51,112 पद रिक्त हैं। हर साल 12,000 के लगभग शिक्षक बेसिक में रिटायर होते हैं। इन सबको जोड़ लिया जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की रिक्त है और कम से कम 75,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन सरकार अभी नई भर्ती देने के मूड में नहीं है। बाकी आगे जैसे ही कोई और अपडेट और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। नई भर्ती की मांग लगातार हो रही है, इस चैनल के माध्यम से भी इस मांग को बढ़ चढ़कर उठाया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।